हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर पीसी में गूगल क्रोम की मदद से पीडीएफ फाइल को पीपीटी एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। आपके पीसी में करना चाहें तो आप पीसी में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में कर रहा हूँ मैं अभी। तो यहां पर आपको सर्च बार में लिखना है पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर। ऐसा लिखने के बाद में फिर आपको यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहां पर आपको वेबसाइट शो हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके और क्रोम ब्राउजर पर जा सकते हैं इसी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, तो मुझे सिलेक्ट पीडीएफ फाइल करूँगा। उसके बाद मैं मेरी फाइल्स में जाऊँगा जहाँ पर मेरी पीडीएफ फाइल पड़ी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सो फ्रेंड्स, मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है मेरी पीडीएफ फाइल को। तो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी मेरी पीडीएफ फाइल, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है MCA AWS प्रोजेक्ट, ये वाली मैंने पीडीएफ फाइल यहाँ पर ऐड कराई है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कन्वर्ट टू पीपीटी, मतलब कि पीपीटी एक्सटेंशन में कन्वर्ट होगी। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में वो यहाँ पर कन्वर्ट करेगा, लोड होगा। लोड होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड पावर पॉइंट, मतलब कि जो आपके पावर पॉइंट में फाइल कन्वर्ट हुई है उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ये MCA AWS project.ppt एक्सटेंशन में आ चुका है। अब मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर अलाउ करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी पीपीटी में आ चुका है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन आ रहा है, जिसको मैं प्ले करूँगा तो ये यहाँ पर स्लाइड होती रहेगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ से पीपीटी में। यहाँ पर आपको सारे पेजेस शो हो जाएंगे। आपको अगर डायरेक्ट 30 पे जाना है या 23 पे जाना है तो आप जा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पीडीएफ फाइल को अपनी पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।